हुआ, खजुराहो जो नाम पड़ा वो खजूर से ही पड़ा हुआ है। ओके, तो बेसिकली वी आर एट मध्य प्रदेश। पूछना कि मध्य प्रदेश कब आए, क्यों आए, कैसे आए, किस रीजन की वजह से आए, बस आ गए। और सोचा कि क्यों ना, मतलब अभी इतना दूर आए हैं तो वाई नॉट एक व्लॉग बनाया जाए। और ऐसा व्लॉग बनाया जाए कि आपको इंफॉर्मेशन भी मिले, आपको नॉलेज भी मिले एंड थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। मैं पिछले 9 दिन से इधर हूँ और मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ अलग काम से आया था मैं इधर, सो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना मेरा फर्ज बनता है। फिर ब्लॉग आज सुबह सुबह हम लोग निकल रहे, सुबह भी नहीं, 9 बज गए, हम लोग का 6-7 बजे का प्लान था बट 9 बज गए। सो या बेसिकली यही है आज के ब्लॉग के रिलेटेड एंड या दैट्स इट। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल में देखा रहेगा कि आज हम जा रहे हैं खजुराहो टेम्पल में, और आप सेटअप भी कुछ अलग देख रहे होंगे, ये अपना नहीं है, अपना कोई दोस्त का है। So yeah, that's the thing. Okay, everything is freaking dope. With that said, welcome back to Mad Vlogs. You are back again with another dope content because we love to do dope and sexy things. Let's get started with today's super duper sexy dope vlog. Okay, तो खजुराहो टेम्पल के बारे में कुछ ब्रीफ दे दूँ आपको। तो बेसिकली 1000 साल पहले बना है ये टेम्पल एंड इट्स बेसिकली फेमस फॉर द कामा सूत्रा एंड द पोजिशंस। जो स्कल्पचर बने हैं वो आपको आगे व्लॉग में देखने मिलेंगे, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो या आई थिंक बाकी आप गूगल कर लोगे, माई फैम इज फकिंग स्मार्ट एंड इधर दानिश भी है, इधर मनीष भी है, इधर मेरे सब दोस्त लोग हैं, बट आई डोंट थिंक वो लोग कैमरा पे आना चाहेंगे। कोई कोई नए फेस आप कैमरा पे देख सकते हो अगर उनको इच्छा हो तो। So yeah, that's the thing. Okay, everything is freaking dope. And abhi, without wasting any further time, let's get straight into the. Okay, तो basically अभी हम निकल चुके हैं खजुराहो टेम्पल के लिए। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ और मेरे होटल से काफ़ी पास में है ये टेम्पल। या बाकी कुछ नहीं, बाकी एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डोप। अभी हम लोग पहुँचेंगे और एंड आई थिंक यू विल इन्जॉय दिस व्लॉग, क्योंकि अपने पास सिस्टम भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है, माइक भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है एंड अपन तो सेक्सी है। सो यार दैट्स द थिंग, बाकी एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डोप। अभी हम लोग 2 मिनट में पहुँच जाएंगे खजुराहो टेम्पल एंड इसके बाद एक्सप्लोर करेंगे और वॉच आएंगे। बाकी एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डोप। ओके, तो अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में एंड आपको सब इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो हम लोग ने गाइड हायर किया। अंकल आप आ जाइए। तो हमने एक गाइड हायर किया है, आपका नाम? अनीस, मोहम्मद अनीस मेरा नाम। मोहम्मद अनीस जी, ओके, तो इनसे जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो आपको देंगे हम। सो आप पूरा जिम्मेदारी अनीस भाई पे है कि वो कैसे बता रहे कैसे नहीं। और हम लोग ने इतना खर्चा किया है, गाइड लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, भाई को सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट्स द थिंग, बाकी एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डोप एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो इन 3, 2, 1।
खजुराहो में जैसे बताया आपको कि तीन ग्रुप हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। तो अपन वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स में सबसे ज्यादा मंदिर इसी कैंपस के अंदर है। इसमें करीब आपके 11 मंदिर हैं, 27 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर ज्यादातर जो मंदिर हैं, विष्णु जी के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, पार्वती जी के मंदिर हैं। ठीक सामने जो मंदिर है उसका नाम है लक्ष्मणा, और विष्णु जी को डेडिकेट करता है। इस मंदिर को बनाने में करीब 20 साल लगे, 930 से लेकर 950 तक ये मंदिर बना। तो 20 साल लगे इस मंदिर को बनाने में। इसकी जो हाइट है 35 मीटर के करीब इसकी हाइट है। सारे जो मंदिर हैं इनका जो एंट्रेंस गेट है वो ज़्यादातर आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी नहीं, तो लोग आप पूजा पाठ करने आते थे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सूरज जो निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, उसकी सारी रोशनी जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए लोग आप सुबह इस समय पूजा पाठ करने आते थे। ये मंदिर जो है इट्स ए सिंबल ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स जो है 5 कॉस्मिक एलिमेंट से बना हुआ है। जिस तरीके से अपनी बॉडी जो है 5 कॉस्मिक एलिमेंट से बना हुआ है, इसी तरह इसको बोलते हैं अर्थ, स्काई, वाटर, फायर, एयर। जैसे अगर अपनी बॉडी को 5 भागों में बांटे तो पहला वाला भाग ऊपर का आता है, जो सिर होता है, इसको अपन स्काई से लिंक करते हैं, तो ये स्काई को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका जो लंग्स है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका इंटेस्टाइन है वो रिप्रेजेंट करता है फायर को, स्टमक जो है वो रिप्रेजेंट करता है पानी को, लैग्स है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। देखेंगे तो एलिफेंट्स के जो पीठ है उसके ऊपर मंदिर का पूरा भार है। अगर बाहर की तरफ से देखेंगे तो मंदिर ऐसा लगता है जैसे रथ है, तो ये रथ को खींच रहे हैं। तो अगर आप कहीं कहीं देखेंगे तो कुछ एलिफेंट जो है कुछ लोगों को मार रहे हैं। उस समय जो लोग हीनियस क्राइम करते थे, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, उसको इस तरीके से पनिशमेंट मिला करते थे। जब अपन का घर मकान बन जाता तो अपन किसको इनवाइट करते हैं, किस देवता को इनवाइट करते हैं? गणेश जी को। यहाँ गणेश जी बने हुए हैं, देखिए ये जो गॉड ऑफ गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी, डांसिंग गणेश दिखाया हुआ है। अब यूनिवर्स जो है कहाँ से इवॉल्व हुआ है? पानी से। तो पहले यहाँ दिखाया ये हिस्सा जो देखेंगे आप, ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीव्स बनी हुई है और ये लोटस फ्लावर बना हुआ है। लोटस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ क्रिएशन, लाइक यूनिवर्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द वॉटर। और जो लोटस फ्लावर है अपन को भी एक लेसन देता है, एक पार्ट देता है कि जिस तरीके से लोटस फ्लावर कीचड़ में रह गए भी अपने आप को स्वच्छ रखता है, उसी तरीके से हम भी आसपास जितने भी गंदगी है उससे अपन को निकल के अपने आप को स्वच्छ रखना है। पहली फ्रेंड जो है इसकी मेमोरी सबसे अच्छी होती है, इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके ईयर लंबे लंबे तो इस मीन्स यू हैव अ गुड मेमोरी, शार्प मेमोरी। अगर आपका ये वाला हिस्सा कान का लंबा है, इस मीन्स आपकी लाइफ जो है वो लंबी है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ। और पेट को बताते हैं कि अगर पेट बड़ा है तो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर पैसा होगा तभी आप खाना खा पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे। लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मने सकल दिखावो जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरे चले उन भंगा दी मैं कह लगे मर बुड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा की खुशी रे झुम 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 मेरे में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 झुम।
सकीना। ओके तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इधर है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर और डाल दूंगा ना तो ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगा, और मुझे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना इतना जल्दी। उसके ऊपर भी अपन डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे पर दूसरे चैनल पे। सो या काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मालूम पड़ी कि जो अपन बोल रहे कि मॉडर्न है वो एक्चुअली मॉडर्न नहीं है, ये 1000 साल पहले ही हो चुका है। एंड सब कुछ बताने जाऊँगा, और आप इधर आओगे तो आपका मजाक ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैं सब नहीं बताऊँगा। आप इधर आओ, आप इधर की ब्यूटी को इंजॉय करो, ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं आपको बता दूँ इधर का जगह का नाम खजुराहो क्यों पड़ा, क्योंकि इधर सब जगह खजूर के पेड़ थे एकदम, जैसे आप देख सकते हो इधर फुल पूरा जगह पे खजूर के पेड़ थे। एंड उसके बीच में से रास्ता था, इसके लिए इसका नाम लिखा है खजुराहो वाटिका, इसका नाम था पहले। सो या दैट्स द थिंग, आई थिंक दैट्स इट बी टुडेज व्लॉग। मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर की कर ली है, और बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है। एंड या अब इधर आओ, अब इन्जॉय करो ये वाला, ऐसी सारी चीज़ें, अपना इंडिया को एक्सप्लोर करो। ऐसी चीज़ें देखे मेरे फ्रेंड्स दंग रह चुके थे, मतलब हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न चीज़ें जैसे स्कर्ट हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी है जो अभी के लिए बैन है, मतलब जो अभी बोलते हैं ना उस पर अपन बोलते कि ये कैसे कर रहे हैं लोग, बट उधर तब वो इन्जॉयमेंट के लिए करते थे। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कवर की मैंने, बट मैं भी अगले और एक व्लॉग बना लूँगा। सो या दैट्स द थिंग, बाकी एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डोप। विद दैट सेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लवली गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू डोप फैम मैड फैम। टिल देन स्टे सेक्सी स्टे डोप, एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब करके जाना, 600 सब्सक्राइबर जल्दी करते। सो या विद दैट सेट, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहना अपने साथ, अपना साथ मुझ पर रखना। I go back to back to back on Whiskey Jack, man, got me acting action-packed as hell. Smoking Bulbasaur, you know I ash it well. One up on you, actually, that's a fraction, boy, you mad as hell. Tight as Tarantino, yo, bitch, in my action film. Yeah. Pass the passion pill, cause most of you hopeless need a dose of it. Flow is motion sickness, most of you niggas won't come close to this. Try to show these quote-unquote devotion, they ain't notice it. Shout out Weezy, if you know I'm going in. Look, if the business isn't popping, then it's not what we finna do. Don't be sorry, I'm difficult.